ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजधानी लखनऊ में देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनने जा रहा है। सीएम योगी आज निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। संग्रहालय में नौसेना से रिटायर्ड युद्धपोत आईएनएस गोमती और उससे संबंधित उपकरण, मिसाइल, टारपीडो, कैनन आदि का प्रदर्शन किया जाएगा। ये संग्रहालय नौसेना से संबंधित देश का पहला संग्रहालय होगा, जहाँ पर 5000 साल पहले के युद्धपोतों और जलयानों को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही नौसेना से जुड़े अन्य उपकरणों को भी रखा जाएगा। 23 करोड़ की लागत से बनने वाला संग्रहालय गोमती नदी के तट पर बनेगा। 37,200 वर्ग मीटर यानी कि 7 एकड़ में इकाना स्टेडियम में बनेगा। इसके बनने से प्रदेश की जनता नौसेना की वीर गाथा देख सकेगी, इस संग्रहालय में नौसेना में भर्ती की प्रक्रिया को समझ सकेंगे, साथ ही जन मार्ग के जरिए ऐतिहासिक जन यात्रा को भी देख सकेंगे। ललितपुर से अगली खबर, जहां पर पुलिस ने एक व्यक्ति को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बीती रात गश्त के दौरान पुलिस ने जब एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका तो वो पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगा। पुलिस दल ने किसी तरह से अपना बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की और इसमें युवक को पैर में गोली लग गई। घायल युवक ने पुलिस को अपना नाम दीपक कुशवाहा बताया है। इतना ही नहीं, आरोपी ने स्वीकार किया कि वो पवा गांव में फौजी के घर में हुई चोरी में शामिल था। उसके पास से चोरी के जो आभूषण बरामद हुए हैं, एसपी का कहना है कि आरोपी युवक अपने साथियों के साथ मिलकर पहले रेकी और उसके बाद चोरी किया करता था। पुलिस को युवक के बातों बाकी के साथियों की तलाश जारी है।